सुधीर भैया हमारे कपूर भैया यहाँ पे उपस्थित हैं और अश्वनी भैया भी हमारे उपस्थित हैं, नेत्र चिकित्सक हमारे उपस्थित हैं। तो हम निवेदन करेंगे इतना भव्य कार्यक्रम जो हो रहा है आज युवा चौरसिया समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा, यहाँ सामूहिक विवाह, रक्तदान शिविर और साथ साथ चतुर्थ स्तंभ जो हमारे हैं मीडिया के, उनका सम्मान, सभी कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया चौरसिया समाज के द्वारा, जो युवा बच्चों ने किया, और साथ साथ सहयोगी के रूप में पूरी चौरसिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी भी यहाँ पर रही, जिनका आशीर्वाद उन बच्चों पर है। और हमारे सब बच्चों ने बहुत बेहतरीन, 9 जोड़ों की शादी यहाँ पर हुई है और सभी को पूरा उनके जोड़े से लेकर उनका पूरा एक एक गिफ्ट देने का काम सभी समाज ने पूरी तरह पूरा किया है। और जब शादी हुई उसके बाद जब जोड़ों को गिफ्ट के रूप में यहाँ पर बुलडोज़र दिया गया है, ये बुलडोज़र इस प्रदेश की पहचान बन गई है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से इस रूप में हो गई है कि जहाँ भी गलत होगा बुलडोज़र उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो ऐसा नव दंपत्ति के जीवन में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, कोई ऐसी परेशानी ना आए, और परेशानी आए तो हम सब जो लोग हैं प्रदेश में एक एक चिन्हित करके लोगों ने जनता द्वारा आए हैं और इन बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे, और अगर कोई दिक्कत आए तो बुलडोज़र उसे उखाड़ कर फेंकने का काम करे और बच्चों के जीवन में खुशहाली लाए। तो ये एक तरह से हमारे यहाँ मुझे लगता है सिंबल के रूप में हो गया है बुलडोज़र, प्रतीक के रूप में कि जहाँ भी खुशहाली होगी वहाँ बुलडोज़र खड़ा दिखाई पड़ेगा आपको। तो यही मुझे लगता है यही एक सोच विचार लोग लेके चल रहे हैं और चौरसिया समाज ने पूरी तरह से इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के गठन में अपना पूरा सहयोग दिया, एक एक सीटों पर अपना सहयोग प्रदान करने का काम किया और मुझे लगता है आने वाला भविष्य जो है, जो चौरसिया समाज का जाना जाता था केवल पान से, पान की दुकान से, पान के व्यवसाय से, उससे नहीं, आज बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनका सोच विचार आगे बढ़ रहा है, अपने समाज में दबे कुचले लोगों का आगे बढ़ाने का काम, उनकी घर गृहस्थी बचाने का काम, बेटियों का जैसे ये विवाह किया गया ये एक शुभ काम किया गया, तो हमारा समाज, ये चौरसिया समाज बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है। और मैं खासकर बधाई देना चाहती हूँ युवा बच्चों को जिन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम करा, और हम महिलाओं को सुरक्षित किया गया है इससे बिल्डोजर देकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम महिलाओं को मिलता है राशन फ्री का। देखिए मोटिव की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहरा रहा है, उनका नाम ऊपर जा रहा है, और दूसरा अमन चैन के साथ हम प्रदेशवासी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इसी क्रम में हमने अपने नव विवाहित जोड़ों को इस बार बुलडोजर दिया कि वो भी अपने जीवन को अमन और प्रेम के साथ गुजार सकें, और हमारे आशीर्वाद के साथ साथ बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ जी का भी उनको इस बुलडोजर के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता रहे।